भाई साहब 10 बजे मार्केट्स और शादी हॉल्स बंद करने वाला जो फैसला है वो उन लोगों ने आयद किया जिनकी वजारतों और शादियों की एवरेज वो बाबर आजम साहब जितनी है सर, तो इससे कौम को एक्चुअली कोई फायदा होने वाला है? बाबर आजम पहले तो है कि अल्लाह कर अपनी एवरेज मेंटेन कर जाए श्रीलंका टूर के बाद, अल्लाह करे कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम जीतेंगे। देखें मैं तो समझता हूँ कि दुनिया में हर तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर दिन अभी सूरज खड़ा होता है तो बाजार बंद हो जाते हैं, सिर्फ वीकेंड्स पे रातों को खुलते हैं, और कोई रिवाज नहीं है इस तरह का कि जिस तरीके से आप रातों को फंक्शंस करें। हमारे यहाँ तो सारी जो एक रवायत है वो तो दोपहर के शादियों के दोपहर को फंक्शन करने की थी। बदकिस्मती है कि इन नामसाइद हालात में लोग जो है बजिंद हैं कि शॉपिंग सेंटर भी लेट खोलें और शादी हॉल भी लेट खुलें। वालेकुम सलाम जी, मोहसिन आज मैं बहुत खुश हूँ। कादियाँ खुशियाँ चढ़ियाँ थानू, कालम निगार बनना तुझे? वो तो है, लेकिन आपने हसान के अब्बा जी को बुलाया इसलिए भी। कादियाँ खुशियाँ हसान दे अब्बा जी शो चाहे ने को हसान दा रिश्ता वेखण नहीं आए। और हसान मैरिड हैं, हैप्पीली मैरिड। न्याजी साहब डिजिटल मीडिया और व्लॉगिंग के इस दौर में भी मैं आपके कॉलम बाकायदगी से पढ़ती भी हूँ और लिखती भी हूँ, लेकिन कलम में वो बर्जस्तगी बेबाकी और रवानी नहीं आ रही। आप मेरा कलम दम कर दें। बचिए खुदा दा खौफ खा, ए न्याजी साहब होर ने ते दमा वाले न्याजी होर सर। सर आप कलम दम करते हैं वैसे? मेरा ख्याल है कि इतना जामे जवाब आ चुका है। मैं अगर कुछ मैं इसमें हिस्सा डाला तो मेरी मजीद ना चाखिए बढ़ जाएंगी। न्याजी साहब जो कासिम के अब्बा हैं वो शुरू से ही दम दरूद पे यकीन रखती थी या ये तब्दीली कुछ गुज़श्ता कुछ सालों में आई? उनको मेरा ख्याल है मुस्तकबिल का जो हाल बता दे और ठीक हो जाए उसके उम्मीद हो जाते हैं। ओके कोई भी कोई कोई भी बता दे। ओके मोहसिन लग दे हथ ए भी पूछ लै कि दम उची जगह से ज्यादा बेहतर होंगे या पार्क च बह के? तो बेसिकली आप बनी गाला और जमान पार्क दोनों की बात कर रहे हैं? नहीं तुसी कर रहे हो, मैं तो की नहीं। मिलो ही बुला। जमान पार्क की गल ना करी नहीं तो रुल जाएगा। किन्नी लाठी चार्ज हुई उत्थे बैठे, तौबा करी दा मैं तो उत्थों लंघ भी रहा हूं ते अखां बंद करके लंघदा। वैसे न्याय साहब जमान पार्क बड़ा पुरफिजा मकाम था जब लाहौर इतना पॉपुलेटेड नहीं था, ये अब उसको क्या बेचारे को कोई बददुआ तो नहीं मिल गई? नहीं अब भी पुरफिजा है, लाहौर की जो पोल्यूशन लाहौर की वैसे बढ़ गई है। हाँ जी वहाँ भी थोड़ी बढ़ी है, पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, लेकिन तनासब उसी तरीके से है कि लाहौर का अब भी मेरा ख्याल में सबसे बेहतर इलाका है, पुरफिजा इलाका है।